नमस्ते, मैं जयप्रकाश शर्मा, आईटी अजमेर। मैं आपको आज ग्रुप सेकंड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ग्रुप, जिसमें कुल 17 ट्रेड्स हैं, सेकंड ईयर का जो सिलेबस उसमें जो ट्रेड्स दे रखी हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: इलेक्ट्रोप्लेटर, लिफ्ट एंड एसे लरेटर, मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्नीशियन, मैकेट्रॉनिक्स, वायरमैन, इलेक्ट्रिशियन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, टेक्नीशियन, पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, केमिकल प्लांट अटेंडेंट ऑपरेटर, केमिकल प्लांट लेबोरेटरी अटेंडेंट, केमिकल प्लांट, ICTSM, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग मेंटेनेंस। ये सभी ट्रेड्स का जो सिलेबस टॉपिक्स दे रखे हैं, इनका पेपर में जो टॉपिक्स से संबंधित ये टॉपिक हैं: फर्स्ट, साइन एंड सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिलेटेड ट्रेड्स। दूसरा जो टॉपिक है, स्केच ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड रिलेटेड कंपोनेंट्स। थर्ड टॉपिक, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वायरिंग डायग्राम, ट्रेड रिलेटेड लेआउट डायग्राम। फोर्थ टॉपिक, इलेक्ट्रिकल अर्थिंग सिस्टम डायग्राम, ड्राइंग द सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ प्लेट एंड पाइप अर्थिंग। फिफ्थ टॉपिक, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड रिलेटेड सर्किट डायग्राम। सिक्स टॉपिक, ब्लॉक डायग्राम ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इक्विपमेंट ऑफ रिलेटेड ट्रेड्स। तो ये इस प्रकार से 80 आवर्स का टाइम पीरियड है, ये सारी ट्रेड्स इसमें वापस शो कर रखी हैं, 16 ट्रेड्स। ग्रुप थर्ड के अंदर वेसल नेविगेटर एक ही ट्रेड है। सेकेंड ईयर में मैकेनिकल ट्रेड ग्रुप, इसमें टोटल 22 ट्रेड सम्मिलित की गई हैं: पीटर टर्नर मशीनिस्ट, मशीनिस्ट ग्राइंडर, मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस ऑपरेटर, एडवांस मशीन टूल मैकेनिक, मोटर व्हीकल मैकेनिक, एग्रीकल्चर मशीनरी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट मैकेनिक, माइनिंग मशीनरी, TDM, DNM, TDM, JNF, मैरिन फिटर, एरोनॉटिकल स्ट्रक्चर, स्पिनिंग टेक्नीशियन, टेक्सटाइल वेट प्रोसेसिंग टेक्नीशियन, वीविंग टेक्नीशियन, टेक्सटाइल मैकेट्रॉनिक्स, पेंटर जनरल मैकेनिक, मेंटेनेंस केमिकल प्लांट, रिफ्रैक्टरी टेक्नीशियन। मैकेनिकल ग्रुप में टोटल ये 8 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला कंस्ट्रक्शन ऑफ स्केल एंड डायगनल स्केल, दूसरा कॉनिक सेक्शन, एलिप्स एंड पैराबोला, थर्ड स्केच ऑफ नट बोल्ट स्क्रू थ्रेड, डिफरेंट टाइप ऑफ लॉकिंग डिवाइसेस, डबल नट एंड कैसर नट पिन इत्यादि। फोर्थ टॉपिक में स्केच ऑफ फाउंडेशन बोल्ट्स। फिफ्थ टॉपिक में रिवेट्स एंड रिवेटेड जॉइंट्स एंड वेल्डेड जॉइंट्स। सिक्स टॉपिक, स्केच ऑफ पाइप एंड पाइप जॉइंट्स। सेवन्थ टॉपिक, असेंबली व्यू ऑफ वी ब्लॉक, बुश एंड बेयरिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ कपलिंग, मफ कपलिंग, हाफ लेफ्ट कपलिंग, फ्लेंच कपलिंग, सिंपल वर्क होल्डिंग डिवाइसेस जैसे कि वाइस, ड्राइंग डिटेल ऑफ टू मैटिंग ब्लॉक्स एंड असेंबल्ड व्यू, इसमें नकल जॉइंट का स्केच बना सकते हैं। एट्थ, स्केच ऑफ शाफ्ट एंड पुली, बेल्ट गियर एंड गियर ड्राइव। तो सेकेंड ईयर मैकेनिकल ग्रुप में भी 80 आवर्स का टाइम पीरियड है। ये मैकेनिकल ट्रेड ग्रुप्स की 22 ट्रेड्स शो कर रही हैं। तो इलेक्ट्रिकल ग्रुप का जो फर्स्ट टॉपिक है, इलेक्ट्रिकल साइन एंड सिंबल्स, तो हमें
साइंस ऑफ सिंबल्स के अंदर एक प्रश्न अनिवार्य रूप से आता है, तो इसमें जिसका भी सिंबल बनाना है उसका नाम लिखा आएगा, आपको सिंबल बनाना है, और यदि सिंबल बना हुआ आता है तो उसको पहचान कर उसका नाम लिखना है। तो इसमें एक से लेके 8 तक सिंबल ये दे रखे हैं, इनके आप सिंबल अच्छी तरह से आप स्केच बुक में देखकर ड्रा कर लीजिए। फिर अगले पेज पर सीरियल नंबर 9 पे अर्थ लाइन से स्टार्ट है, 10th पे अर्थ का सिंबल दे रखा है। इन सभी सिंबल्स को आप रफ स्केच बुक में ड्रा कीजिए। ICTP स्विच 17 पे, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लैंप का सिंबल भी पूछा गया है, 25 नंबर पे जो सिंबल दे रखा है। कैपेसिटर संधारित्र, फोर्टी वन पे ओम मीटर का और वाट मीटर का ये दे रखा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पे 43 नंबर पे फ्रीक्वेंसी मीटर का दे रखा है, 43 फ्रीक्वेंसी मीटर। फिफ्टी वन पे बैटरी का सिंबल दे रखा है, इम्पोर्टेंट है। 63 पे एंटीना का सिंबल दे रखा है, इम्पोर्टेंट है। डायोड का 52 पे दे रखा है। घंटे का चित्र दे रखा है, रिले का चित्र सिंबल दे रखा है। इनको आप अपने रफ स्केच में साथ के साथ बनाएं, फ्री हैंड स्केच, और प्रैक्टिस करें। 10 सिंबल अनिवार्य रूप से आते हैं। मूविंग आयरन यंत्र 71 पे, इसका सिंबल अच्छी तरह से याद कर लीजिए। कंट्रोल बोर्ड, माइक्रोमीटर, लाउड स्पीकर, अर्थ प्लेट, सायरन, इन सभी के सिंबल अच्छी तरह से ड्रा कर लीजिए। इस पेज पर लास्ट में एरियल का चित्र दे रखा है। फिर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के दे रखे हैं नेक्स्ट पेज में, इसमें ये विभिन्न प्रकार के डायोड्स उनके ये सिंबल दे रखे हैं कंपोनेंट्स के। ये जेनर डायोड, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, एफईटी, इनको अच्छी तरह से देख कर ड्रा कर लीजिए, इनमें से एक सिंबल तो आना है। फिर ये आगे और भी ट्रांजिस्टर दे रखे हैं इनके सिंबल, ट्राइक का सिंबल इम्पोर्टेंट है, डायक का सिंबल ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी, आईसी को हम कैसे सिंबल ड्रा करेंगे अच्छी तरह से आप देख लें और ड्रा करें। फिर डीसी मशीन्स के ग्राफिकल सिंबल मैं दिखा रहा हूँ, सबसे पहला वाइंडिंग
का संकेत कैसा होता है? मोटर का 8 नंबर पे देखो, मोटर का सिंबल दे रखा है, डीसी जनरेटर का संकेत दे रखा है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, डीसी मोटर का सिंबल दे रखा है, तो सिंबल और उनके ये नाम दे रखे हैं, या तो नाम लिखा है तो आपको सिंबल बनाना पड़ेगा, और यदि सिंबल बना हुआ आएगा तो उसको पहचान कर उनका नाम लिखना पड़ेगा। एसी मोटर का सामान्य संकेत 19 नंबर पे, प्रेरण मोटर जिसका देखो सिंबल दे रखा है 27 नंबर पे। बहुत सारे अलग अलग तरह के मोटर हैं, उनके सबके ये सिंबल दे रखे हैं। डीसी मशीन के टर्मिनल को दर्शाने के लिए ये ग्राफीय संकेत, इनको आप कैसे दिखाएंगे टर्मिनल्स को? ये 6 टर्मिनल्स को किस प्रकार शो करेंगे, ये इनके दे रखे संकेत। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, मोटर कंट्रोल में उपयोग होने वाले संकेत। अब मोटर को कंट्रोल करने के संकेत दे रखे हैं, एसी मोटर सामान्य संकेत। तो आप अच्छी तरह से सिंबल का नाम और सिंबल दोनों देख लें और अपनी कॉपी के अंदर इनको लिखें, इनको स्केच करें। 3 पीस पिंजरी प्रेरण मोटर, इसका भी सिंबल परीक्षा में पूछा गया है। स्विच का सामान्य संकेत, कॉन्टैक्टर का, ये फ्यूज, फ्यूज का चित्र कई बार सिंबल हमें पूछा गया है परीक्षा में, वेरी इंपॉर्टेंट। थ्री पॉइंट कॉन्टैक्ट 27 नंबर पे देखो, 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट किस प्रकार से सिंबल ड्रा करेंगे। स्टार्टर का सिंबल कई बार पूछा गया है, ऑटो ट्रांसफर स्टार्टर, ये डोल स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, धारा नियंत्रक स्टार्टर, और लास्ट में